Let's do question number 15th of exercise 2.5, that is polynomial. Question number 15th is, give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Friends, first part kar rahi hu, hame ek rectangle de rakha hai, hame length nikalni hai aur breadth nikalni hai aur hame area de rakha hai uska 25a square minus 35a plus 12. Right, friends? अब देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख रही हूँ, a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. अब हमें पता है कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 25 इंटू 12 कितना आया, फैक्टराइज करेंगे जिससे कि दो वैल्यूज आ जाएं जो हम लेंथ और ब्रेथ में रख सकें. 2 5s are 10, कैरी 1, 2 2s are 4 एंड 5 5 एंड 2, तो ये आ गया 300. राइट फ्रेंड्स, अब इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं प्लस माइनस करके 35 है, 300 ए स्क्वायर के फैक्टर्स. राइट, तो 300 आ गया, 2 5s are 10 and 0, अगेन 225 and 5 and 5. राइट फ्रेंड्स, अब देखिए 25 4 3s are 12, 25 and 12 ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं आ सकता, तो हम क्या रखेंगे. अब देखिए दूसरा एक और फैक्टर बन रहा है, 20 4 2 5s are 20 and 3 5s are 15. अगर मैं 20 और 15 ए रखूं तो इन दोनों में ऐड करना है, ऐड के केस में सेम साइन होते हैं, तो माइनस के दोनों के सेम साइन रख दूंगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये फैक्टर होगा इसका. तो दैट मीन्स 25a² माइनस, अब 35a की जगह हम क्या लिखेंगे, 20a एंड माइनस 15a. फ्रेंड्स, मेरे आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशंस भी आप लर्न मैथ्स के आइकन पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके, और वहां पे और ज्यादा एक्सप्लेन करके मैंने सारे क्वेश्चंस कर रखे. प्लस 12 इक्वल्स, आप इन दोनों में देखिए 5 कॉमन है और एक a कॉमन, तो क्या बचा, 5a माइनस 4, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो माइनस का 3 कॉमन, 5a प्लस था लेकिन माइनस बाहर ले लिया, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4. अब देखिए 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 5a माइनस 3. राइट फ्रेंड्स, तो अब इसे मैं लेंथ ले रही हूं, इसे ब्रेथ ले रही हूं, आप चाहें तो इसे ब्रेथ इसे लेंथ भी ले सकते, तो लेंथ क्या आ गई, 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ क्या आ गई, 5a माइनस 3. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में एरिया दे रखा है हमें 35y² प्लस 13y माइनस 12. राइट फ्रेंड्स, आर हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल की. राइट फ्रेंड्स, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो आप देखिए 35 इंटू 12 करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 2 5s are 10, 2 3s are 6 and 7, 5 and 3, तो ये कितना आ गया, 0 12 and 4 420, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस का 420y² लाना है. राइट फ्रेंड्स, इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने, प्लस माइनस करके 13 है, तो देखिए 420 के फैक्टर्स निकाले, 2 21, 3 7s are 7 10s are 2 5s are. राइट फ्रेंड्स, तो अब देखिए 5 2s are 10, 7 3s are 21 एंड 21 2s are 42, नहीं 31 बचेगा, तो देखिए 7 2s are 14, 14 एंड 5 2s are 10 and 30, 14 and 30, 30 and 14 भी नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, 7 2s are 14, 14 2s are 28 and 15, 28 and 15, yes friends, तो ये आया 28y and 15y. right friends, अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस करना है, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, आंसर माइनस में आएगा. माइनस में कैसे आएगा, जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का. अब बड़ा वाला कौन सा होगा, वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस साइन है तो बड़ा वाला प्लस का होगा, क्योंकि हमें माइनस करना है तो दूसरा वाला
ऑपोजिट साइन, या ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, अगर ये माइनस का होता तो ये प्लस का होता। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 35y² + 28y - 15y - 12, राइट फ्रेंड्स। तो इन दोनों में से देखिए 7 कॉमन निकला और y कॉमन निकला, तो क्या बचा 5y + 4, इन दोनों में से 3 कॉमन निकला माइनस का, तो क्या बचा 5y, माइनस है माइनस बाहर कॉमन निकल गया, तो इसका ऑपोजिट साइन प्लस 4, राइट फ्रेंड्स। तो 5y + 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 7y - 3। आप इस दोनों में से कोई सी भी लेंथ ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रेथ ले सकते हैं। अब लेंथ मैंने पहली बार ये वाली वैल्यू ली थी, ब्रेथ ये ली थी, तो मैं अब लेंथ इसे ले रही हूं, ब्रेथ इसे ले रही हूं, 7y - 3 एंड ब्रेथ 5y + 4 इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.